ब्यूटीफुल सिटी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रॉपर लाइक मुंबई, बहुत कुछ कर सकते हो आप. सो यू शुड स्टे एटलीस्ट 3 days इन इज़मिर. तो मेरे पास सिर्फ आज का एक दिन है और आज एक दिन में मैं बहुत कम इम्पॉर्टेंट जगह जो है वो कवर करने वाली हूँ. और सबसे पहले मैंने सोचा ब्रेकफास्ट किया जाए, क्योंकि बाहर का तो पता नहीं होता है क्या खाना मिलेगा. सो व्हाट आई हैव, फ्रूट्स, सम ब्रेड and yogurt and cornflakes and salads and my favorite coffee as usual. So yahan par yahi mera khana hota hai har roz ka. So that's why I don't do more food vlog especially. So I'm planning to go to Ephesus, which is nearby, not nearby but 80 kilometers from here. So it will take 1 hour 30 minutes max. And let's see kitna time uske baad bachta hai. To uske baad I'll plan next place. On my way to Ephesus and Seljuk. ये दो जगह हैं जो इज़मिर से काफी नजदीक हैं. And I'm reaching in few minutes. There is inside the museum, ruins museum. How many years old coins? 3,000 years old. 3,000 years old coins. Yeah. How you found? Excavation, digging. Digging. Yes, metal digging. Metal. Oh, okay. नीचे से चढ़ के मैं जा रही थी सेंट जॉन चर्च. और रास्ते में ऐसे छोटे छोटे घर है, जस्ट लाइक इंडिया. हाय, हाउ आर यू? फाइन. सेंट जॉन चर्च. सेंट जॉन चर्च. हाउ ओल्ड इट इज? हाउ मेनी इयर्स ओल्ड? ये है एंट्रेंस फॉर सेंट जॉन चर्च. सो ये है जगह सेंट जॉन चर्च. बोल रहे हैं कि 1500 ईयर्स ओल्ड ये चर्च है, यानी यहाँ पर चर्च हुआ करता था 1500 साल पहले. इतनी ज़्यादा शांत जगह है यहाँ पर. लोगों को ज़्यादातर हिस्ट्री में इंटरेस्ट कम होता है, लोगों को नेचर देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, हैपनिंग चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं. पर कई बार ऐसा फील होता है जब ऐसी जगह पर आप आते हो और हिस्ट्री के बारे में जानते हो तो लगता है कि माय गॉड, दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं हज़ारों साल पुराने. तो बेसिकली ये जगह जो थी वो ऐसी थी 1500 साल पहले. वाओ. और अभी बेचारे का हाल देखो, जगह का टूट फूट के कैसा हो गया है. यू कैन कंपेयर. सो यहाँ पर आगे है कैस्टल. जा रही हूँ मैं चल के वहाँ पर. वहाँ तक तो नहीं जा रही हूँ बट देख रही हूँ यहाँ पर आगे कैफेटेरिया भी है. सो आई डोंट माइंड टू हैव कॉफी. शॉपिंग हर जगह पर छोटी छोटी दुकानें होती है, बहुत मज़ा आता है मुझे देखने में. अभी मैं एफेसस पहुंच चुकी हूं और एफेसस एक जगह है जहां पर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं देखने के लिए. कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जिसकी हिस्ट्री समझने में बहुत मेहनत लगती है. इज़मिर उनमें से एक है. तो फिलहाल तो मैं ये ग्रीनरी, माउंटेन्स, स्काई, स्टोन्स, यही सब इंजॉय कर रही हूँ. ये एंशिएंट ग्रीक सिटी है और उसके बाद रोमन लोगों ने इसके ऊपर रूल किया था. सो हज़ारों सालों पहले की बात है. हिस्ट्री बहुत कमाल की है टर्की की, नो डाउट. और ये जो पीछे दिखाई दे रहा है ना, ये है सेल्सिस लाइब्रेरी. तो ये उस टाइम पे लाइब्रेरी हुआ करती थी. और ये जो है वो इसका एंट्रेंस है, गेट. AD में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 135 AD में खत्म, यानी कि 20 साल लग गए ये लाइब्रेरी बनने में. हर जगह बहुत ज्यादा सुंदर है, छोटी छोटी जगह, छोटे छोटे स्पॉट. यहाँ पर मैं ऊपर आ चुकी हूँ और यहाँ से एफेसस दिख रहा है पूरा.
व्यू दिख रहा है टॉप से, सो ब्यूटीफुल ना। काफी बड़ा सिटी है एफेसस, कहाँ से चल के आई मैं और कहाँ तक पूरा ऊपर तक फैला हुआ है, और भी आगे काफ़ी कुछ है, बट इट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री। रोम गई थी मैं 2016 में, तब तो मैंने ब्लॉग करना शुरू भी नहीं किया था, और रोम इज़ ऑल्सो अबाउट द हिस्ट्री, और उसके बाद एफेसस, ये भी पूरी जगह हिस्ट्री है, सालों पुरानी हिस्ट्री। What is this? No. Exit. Okay. I think this is some restricted area. इज़मिर सिटी देखने का मुझे मौका ही नहीं मिला है, मेरे पास आज का एक ही दिन है, सो आई थॉट बस ये जगह थी जो काफ़ी कुछ देखने लायक था यहाँ पर, और मैं यहाँ से निकल रही हूँ। टर्की की पूरी आइटनरी 15 से 16 दिन की बन सकती है, आई एम श्योर। मैंने ये 10 दिन में ख़त्म किया है। And now I'm leaving from here and I'm going to Izmir city. Excited क्योंकि बहुत सारे मैंने mountains, jungle और snow सब कुछ देख लिया है, but I really want to see proper city because मैंने सुना तो है इसमें बहुत अच्छा है। Let's see. ये है सबसे बड़ा मॉल Optimum Mall, जो है एयरपोर्ट के पास में इज़मिर में, और यहाँ पर बहुत जगह पर डिस्काउंट्स चल रहे हैं, सेल चल रही है, एंड काफ़ी सारे लोग भी हैं। इज़मिर शहर तो हिस्टोरिकल है पर मॉल काफी मॉडर्न है। सो ये है मेरी गाड़ी, ये मेरी गाड़ी थी, इस गाड़ी को वापस करना है, तो अभी मैं फिलहाल आई हूँ इज़मिर एयरपोर्ट पे, क्योंकि कल सुबह की मेरी फ्लाइट है फॉर इस्तांबुल, और मेरी रोड ट्रिप जो है वो आज ख़त्म हो रही है। बहुत मज़ा आया रोड ट्रिप में, एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप भी आते हो यहाँ पर रोड ट्रिप ज़रूर करिए। आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब माय चैनल, छोटा सा बेल का आइकन है उसके ऊपर प्रेस जरूर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।